My dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Pupiyamo Pratapgarh. So that's Saturday's grammar class students. Open your books. राइट यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ कर लिया था. हमें क्या करना था, हमें अपने होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करने थे. सो स्टूडेंट्स, हेयर आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. तो पहला क्या था, सी में आपको क्या करना था, ये जो नीचे आंसर्स दिए इनके लिए आपको सूटेबल क्वेश्चन लिखने थे. येस, मृदुला ट्वेन रोड द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, मतलब इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा. तो वो क्वेश्चन क्या है, डिड मृदुला ट्वेन राइट द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, राइट? क्या मृदुला ट्वेन ने लिखे थे एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, राइट? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, नो मीरा डिड नॉट फिनिश अ पेंटिंग. तो किस लिए पूछा, क्या पूछा गया होगा, डिड मीरा फिनिश अ पेंटिंग? नो मीरा डिड नॉट फिनिश अ पेंटिंग, राइट? नेक्स्ट, येस आई लाइक पाइन ऐपल वेरी मच, हाँ मुझे पाइन ऐपल बहुत पसंद है. तो ये कब कहा गया होगा, जब पूछा गया होगा डू यू लाइक पाइन ऐपल वेरी मच, येस आई लाइक पाइन ऐपल वेरी मच, राइट? नेक्स्ट वन, येस आई विल कम बैक फ्रॉम मार्केट ऑन टाइम, हाँ मैं आ जाऊँगा मार्केट से टाइम पे. सो विल यू कम बैक फ्रॉम मार्केट ऑन टाइम, तुम आ जाओगे मार्केट टाइम से, मार्केट से टाइम पे, राइट? नेक्स्ट, नो बिकॉज आई कुडंट फाइंड अ पेपर टू राइट डाउन द मैसेज, मतलब क्या पूछा गया होगा, बिकॉज इन्होंने रीज़न दिया ना, इसका मतलब हमने रीज़न पूछा होगा, राइट? सो हैव यू रिटन डाउन द मैसेज ऑन पेपर, इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों, राइट? येस रिजिता कॉल अराउंड 7 PM, डिड रिजिता कॉल अराउंड 7 PM, क्या रिजिता ने कॉल किया था 7 PM पे, 7 PM के आसपास? तो येस रिजिता कॉल्ड अराउंड 7 PM, राइट? नेक्स्ट, येस ही सेड ही वुड कॉल अगेन वेन ही विल बी फ्री, हाँ उसने कहा वो कॉल करेगा दोबारा जब वो फ्री होगा, ठीक है? सो डिड ही से दैट ही वुड कॉल अगेन वेन ही विल बी फ्री, तो ये क्वेश्चन बना, उसने कहा था ऐसा कि वो कॉल करेगा दोबारा जब वो फ्री होगा, राइट? नेक्स्ट, नो धीरज वोंट बी एबल टू मेक इट टू द मीटिंग टुडे, तो क्वेश्चन क्या होगा, मतलब आंसर क्या मिला, नहीं धीरज आज मीटिंग में नहीं आ पाएगा. तो विल धीरज बी एबल टू मेक इट टू द मीटिंग टुडे, क्या धीरज आ पाएगा मीटिंग में आज, राइट? चलो बाकी का करते हैं. येस आई कुड आस्क माला टू एड्रेस द मीटिंग इंस्टेड, तो यहाँ से क्या बने, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुड यू आस्क माला to address the meeting, could you ask Mala to address the meeting instead, है ना, right? क्या तुम पूछ सकती हो माला से मीटिंग को आज एड्रेस करने के लिए, right? Next, no I couldn't take the number down because I couldn't hear her well, तो यहाँ क्या पूछेंगे, did you take the number down, if not not, if not why, right? अगर नहीं तो क्यों, ठीक है? did you take the number down, क्या तुमने number लिखा, if not why, right? next, yes I have finished my assigned work, my the assigned नहीं, my assigned the आप काट दो, तो क्या होगा, have you finished, have you finished the assigned work, right? yes I have finished the assigned work. उसके बाद वाले students मैंने पहले ही लिख दिए हैं. no Sarika has never seen a goldfish, नहीं Sarika ने कभी नहीं देखी goldfish, मतलब पूछा गया होगा ना, has Sarika ever seen a goldfish, क्या Sarika ने कभी भी goldfish देखी है, नहीं Sarika ने कभी भी goldfish नहीं देखी है, तो ever का never, right? yes Lord Buddha was earlier known as Prince Siddhartha, मतलब was Lord Buddha earlier known as Prince Siddhartha, क्या Lord Buddha को पहले Prince Siddhartha के नाम से जाना जाता था, तो आंसर क्या आएगा, yes Lord Buddha was earlier known as Prince Siddhartha. next, no James Watt did not invent the electric engine, नहीं James Watt ने invent नहीं किया electric engine, he invented the steam engine, तो question क्या होगा, did James Watt invent electric engine, क्या James Watt ने invent किया electric engine, if not then which engine did he invent, अगर नहीं तो उन्होंने कौन सा engine invent किया, right? next, yes GIGO is a computer related term, it stands for garbage in garbage out, so is GIGO computer related term, क्या GIGO एक computer related term है, what does it stand for, वो किस लिए stand करता है, right? स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आई गेस आपका होमवर्क था, राइट? सो ये भी आप जल्दी से मैच कर लो, यू कैन, राइट? आई होप इट इज़ प्रीटी मच विजिबल क्लियरली, राइट? येस, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं.